तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये मेरे यहाँ में बहुत सारे कपड़े जिन पर करने हैं मुझे प्रेस, को इधर लगा लिया प्रेस भी, तो आप करूँगी मैं प्रेस। तो चलिएगा फ्रेंड्स, लग जाते हैं अपने प्रेस करने में। और वंदना, और वंदना के डैडी अभी सोए हुए हैं, शाम का टाइम हो रहा, दोपहर हो गई ना, तो दोपहर में सो गए थे। तो अब बज चुके हैं 4, और ये बाप बेटी दोनों सो रहे, तो मैं तो उठ गई थी, तो मैं पशुओं को चारा करके आ गई। तो करनी मुझे प्रेस। तो ये नए कपड़े थे, हम वहाँ खरड़ गए थे और संध्या मंदिर पर, तो ये अब मुझको प्रेस करना है। तो सबसे पहले कर लेते हैं कपड़ों को शुद्ध। ये उल्टे फुलाते हैं ना धूप की वजह से, कि ताकि इनका कलर ना उड़ जाए। तो सबसे पहले मैंने करना शुरू कर दिया कपड़े को सीधा, और सीधा करने के बाद में करूँगी प्रेस। और इधर लगा दी है मैंने प्रेस, और अब कर लेते हैं प्रेस, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो रहे। और फिर चाय बनाने का भी टाइम हो रहा है, क्योंकि वंदना अभी सोई हुई है, और वंदना को सोते उठते ही चाहिए चाय, तो इसलिए जल्दी जल्दी से निपटा लेती हूँ अपना प्रेस का भी काम। और फिर ज़्यादा देर मुझ से बैठा नहीं जाता, तो इसलिए मुझे बैठने में भी दिक्कत होती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी प्रेस होकर हो चुकी है तैयार। इतने सारे कपड़े थे, और हम ये इनको लगाने हैं शेप में। तो शेप मैं देखती हूँ, टाइम लगाएगा तो लगाऊंगी, वरना तो कल को, क्योंकि अब मुझे बनानी है चाय। वंदना और वंदना के डैडी उठने वाले हैं, क्योंकि 4:30 बज के आधा घंटा लगा प्रेस करने में। तो अब मैं बना लेती हूँ चाय। चाय बनाने के बाद में झाड़ू वाड़ू भी, और पशुओं को पानी पिलाने का भी टाइम हो जाएगा इतना चाय पीए पेज। तो अब प्रेस को देते हैं उतार, और उसके बाद में करेंगे बाकी के काम। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल वंदना पाल ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज बना रहे हैं हम आलू और प्याज के पराठे, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है ना, तो आलू और प्याज के पराठे बना रही हूँ मैं। और बारिश के मौसम में चाय के साथ और आलू और प्याज के पराठे खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो फ्रेंड्स, बारिश के मौसम में तो मज़ा ही आ जाएगा आज आलू और प्याज के पराठे खाने में। तो चलेगा फ्रेंड्स, अब लग जाते हैं आलू के पराठे बनाने में। तो मैंने पराठा डाल दिया है तवे पर, और रिफाइंड लगाना शुरू कर दिया है। तो उसके बाद में करेंगे वंदना के डैडी नाश्ता, क्योंकि पापा ने ले ली है अपनी दवाई खाली पेट की, तो पापा जी करेंगे लेट। तो सुबह के बज चुके हैं 9:30, तो वंदना के डैडी को जाना है खेत में, क्योंकि बारिश थम गई। तो अब मैं जाएंगे पशुओं के लिए चेरी काटने के लिए, क्योंकि फिर बारिश आ जाएगी, तो मौसम का कुछ पता नहीं, बारिश का मौसम बना हुआ है, तो अभी बंद हो रही है। तो पशुओं के लिए चारा भी लेकर आ जाएंगे तब तक। तो पशुओं का चारा भी लाना बहुत ज़रूरी है। तो ये कर रहे वंदना के डैडी नाश्ता, और इधर वंदना खेल रही थी। देखो इन्हें अपना पूरा किचन सेट खुला कर दिया रखा, नाश्ता कर लिया। मम्मी, क्यों खेलना नहीं? ना। तो देखो ना, तौलिया लपेट लिया, जैसे मेरे डैडी लपेटते ऐसा लपेटना मुझे, और चाय का गिलास हाथ में। तो ये है हमारी आलू और प्याज की पिट्ठी, और ये आटा गूंद लिया मैंने, और ये भर लिया है पराठा, और अब इसको डबल करूँगी। तो ये देखेगा फ्रेंड्स, काम निपटा नहीं, और बारिश कितनी तेज आ गई, और ये देखो पूरे बरामदे में हो गया पानी पानी। देखो अभी तो पोछा झाड़ू का काम ही निपटा था, और 12 बजे पूरे काम निपटा 12 बजे, और देखो बारिश की कैसी हालत कर रही। तो 3 दिन लगातार हो गए बारिश होते हुए, शनिवार से बारिश होनी स्टार्ट हो रही थी, और आज है मंगलवार, 4th दिन है आज। और देखो वंदना क्या कह रही, मम्मी बारिश ने हमारा बरामदे में गिल्ला कर दिया, और हमारे पे छतरी। हाँ हाँ
और ये कपड़े धोकर लाई मैं अभी बिल्कुल, और कपड़े फैलाने का तो है नहीं, अंदर देखती हूँ पंखे में डाल लूँगी और उसके बाद मैं करेंगी बाकी के काम। देख सकते हैं आप बाहर का मौसम कैसा मौसम होगा, बारिश वाला और बहुत तेज बारिश आ रही है अंदर तक, तो देख सकते हैं आप। और वंदना से देखो कितनी खुश हो रही है, आपके डैडी तो भीग जाएंगे खेत में। और भी मजा आएगा और कैसे आएंगे भी खेत में सब जो साइकिल पे बारिश में। ओ माय गॉड, और ट्रैक्टर पापा भी जा रहे हैं आपके ट्रैक्टर लेकर, ट्रैक्टर कैसा आएगा बारिश में हमारा। आराम आराम से ले आओगे तेरे पापा कैसे, डैडी आएंगे आराम आराम से। तो देखो वंदना कह रही मेरे डैडी बारिश में आराम आराम से आ जाएंगे और योगेश भाई साहब भी आराम आराम से आ जाएंगे। तो मैं अभी नहा के आई और कपड़े धोकर लेकर आई हूँ, तो मैं तो मेकअप तो अभी किया नहीं, अब जो करूँगी आराम से, बारिश में तो और काम बढ़ा दिया, तो ये काम तो बाद में ही कर लेंगे जब बारिश बिल्कुल बंद हो जाएगी। अब उसके बाद में करेंगे बरामदा के साथ थोड़े बाहर भी, तो पशुओं वशुओं को नहला के आई थी, गर्मी काफ़ी हो रही, तो गर्मी हो रही इस वजह से फिर से बारिश हो रही, सुबह पहले बहुत हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को हमारा ब्लॉग पसंद आए तो आप अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।